बेटा, अगला जो टॉपिक है आपका, उससे हम लोग, उस टॉपिक का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट जो है किसी भी एनिमल का करेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें एनिमल मूव करता है। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कितनी तरह की मसल्स हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, कैसे बॉडी में वो क्या क्या परफॉर्म करें, इन सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं, समझते हैं मसल्स के टाइप, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या पूरे एनिमल किंगडम में केवल मसल्स के द्वारा ही मूवमेंट है और क्या कोई तरीका नहीं है। तमाम ऐसे मूवमेंट है जो नॉन मस्कुलर हैं, बिना मसल्स के द्वारा भी बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं, सीलिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, टेंटिकल्स के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा, ये सारे जो मूवमेंट्स है कैसे हैं, नॉन मस्कुलर मूवमेंट है। एनिमल किंगडम में बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के मूवमेंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले यहां पे आप लिख सकते हैं, ये देखिए, मूवमेंट मूवमेंट इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मूवमेंट इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग्स हैं, लिविंग्स जितने भी हैं, सबके जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, एक बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट अगर आप देखें, ये देखिए, दूसरा कमेंट आप देख लें, वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन, वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। ये दूसरा कमेंट आ गया कि जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, उस सारे मूवमेंट्स को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। आप हमें देखें, अगर हम अपने मन से ऐसे चल रहे हैं तो ये कैसा मूवमेंट है, ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? आप बोलेंगे सर वॉलंटरी है। तो जब वॉलंटरी मूवमेंट है तो एनसीईआरटी ने उसे क्या लिखा है? एनसीईआरटी कहते हैं कि ये लोकोमोशन है, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं सबको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। तो ये देखिए, एनसीईआरटी ने सीधे एक बड़ी पॉइंट लिख दी, कहा कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सीधे काम की बात करते हैं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर, बट ऑल मूवमेंट्स आर, मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये देखिए, जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये आप देखें, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जितने भी लोकोमोशन हैं सबके सब मूवमेंट हैं, लेकिन जितने मूवमेंट्स हैं सबके सब लोकोमोशन नहीं है। ये बात सिखाना चाहता हूं मैं आपको, ये बात सिखाना चाहता हूं मैं आपको। सॉरी, इसे कैंसिल करो। हेलो बेटा, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस नए टॉपिक में लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप ये बात समझें कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनका करेक्टरिस्टिक फीचर ही मूवमेंट है। अगर कोई लिविंग है तभी तो मूव करेगा, अपने मन से जो चलेगा वो लिविंग है। मतलब जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल है, सब में कहीं ना कहीं मूवमेंट की बात हो रही है। इस चैप्टर में हम लोग मसल्स की मेनली स्टडी करते हैं। तो आइए देखा जाए क्या कहती है एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए। आइए देखा जाए, तो यहाँ देखिए लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है कि मूवमेंट इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी लिविंग हैं, सबका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है या एक बड़ा फीचर है, उनका जो एक बड़ा फीचर है जिसके आधार पर हम लिविंग कह रहे हैं, वो जो है मूवमेंट है। दूसरा उन्होंने कहा कि मूवमेंट, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं सबको सब हम लोकोमोशन कहते हैं। और एनसीईआरटी ने तो ये बात तो बड़ी तगड़े से बात कह दी कि जितने भी लोकोमोशंस हैं सबके सब मूवमेंट हैं, लेकिन जितने भी मूवमेंट्स हैं सबके सब लोकोमोशन नहीं है। ये लाइन अक्सर आपसे पूछी जाती है और मैं चाहता हूं कि आपको बात समझ में आ जाए। एनसीईआरटी कहती है ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जितने भी मूवमेंट्स हैं सब के सब लोकोमोशन हो सकते हैं, लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, जितने भी मूवमेंट्स हैं लोकोमोशन नहीं हो सकते हैं। अब आइए काम की बात करते हैं हम लोग।
अगर हम लोग काम की बात करें तो किसी भी एनिमल में एम ऑफ मूवमेंट क्या है, वो मूव क्यों कर रहा है, एम ऑफ मूवमेंट क्या है। तो अगर आप एम ऑफ मूवमेंट समझना चाहते हैं कि वो एनिमल मूव क्यों कर रहा है, क्या रीजन है उसके मूव करने का, तो सबसे पहला जो रीजन है वो फूड की सर्च में लगा है। जैसे आप जाते हैं पिज्जा खाने, बर्गर खाने, तो सर्च फॉर फूड, वो खाना सर्च कर रहा है, खाना ढूंढ रहा है। इस दुनिया में अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो उसका पहला एक बड़ा कारण हो सकता है कि वो फूड की सर्च कर रहा है। दूसरा देखें, सर्च फॉर शेल्टर, ये सर्च फॉर शेल्टर, वो रहने की जगह ढूंढ रहा है। आप सोचिए शेल्टर के बारे में, अगर आप सोचिए तो ह्यूमन की ओरिजिन कहाँ पे, ह्यूमन की ओरिजिन हुई कहाँ पर, अफ्रीका के फॉरेस्ट में, और वहां से मूव करता वो पूरी वर्ल्ड में फैल गया। तो इसका मतलब जो मूवमेंट हुआ वो शेल्टर के लिए हुआ, फूड के लिए हुआ, ये देखिए सेक्सुअल कोमेट के लिए हुआ। जो मेल है वो अपने फीमेल को सर्च कर रहा है, फीमेल अपने मेल को सर्च कर रही है। एनसीईआरटी ने केवल मेट लिखा है, हमने उसको सेक्सुअल कोमेट कर दिया। इसके लिए और क्यों मूवमेंट हो रहा है, इसका कोई और कारण जो मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल देखिए, फाइंडिंग सुटेबल ब्रीडिंग प्लेसेस, फाइंडिंग सुटेबल ब्रीडिंग प्लेसेस, सही ब्रीडिंग प्लेसेस को सर्च करना। ब्रीडिंग प्लेसेस क्या है, वो लोकेशंस जिससे हम लोग, जहां पर लोग ब्रीडिंग करते हैं। अगर आप इसे ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि सर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन, तमाम एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जाते हैं और वहां पर वो ब्रीडिंग करते हैं, ऐसे भी कंडीशंस होती हैं। ये देखिए और भी कारण हो सकते हैं इसके, फॉर फ्रॉम एनिमीज, एनिमल इसलिए भी मूव करता है ताकि वह अपने एनिमी से या अपने प्रेडेटर से अपने आप को बचा पाए। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण एनिमल मूव करता है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग प्लेस को ढूंढते हैं के लिए, और इसके फ्रॉम एनिमीज मतलब अपने दुश्मन से बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए ये एनिमल जो है मूव करता है। एक बात हमने और लिखा है, प्लांट एंड एनिमल्स shows a wide range of movement. ये देखिए wide range of movement, ये जो plants हैं और जो animals हैं इनमें अलग अलग तरह का movement होता है। आप plant में taxis पढ़ते हैं, मिमोसोपोडिका को पढ़ते हैं, thermotaxis, thigmotaxis, अलग अलग चीजें आप पढ़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अब आइए देखा जाए कि कितने तरह के मूवमेंट हैं एनिमल किंगडम में। तो अगर आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कितने तरह के मूवमेंट हैं, हम लोग यही पढ़ेंगे इस टॉपिक में। एनसीईआरटी दिया हुआ है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्यों भाई, तभी तो जय वायु जय जीन जय एनसीईआरटी होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो काम कैसे बनेगा, बोलिए, नहीं बन सकता है काम। काम तभी बनेगा जब आपको एनसीईआरटी आएगी, तभी शून्य से आपको मोक्ष मिलेगा। मैंने कहा था कि ये बात आपको याद करनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी जो होती है, एनसीईआरटी स्वर्ग के रास्ते खोलती है। मैं अक्सर ये बोलता रहता हूँ, एनसीईआरटी स्वर्ग के रास्ते खोलती है। ये देखिए, एनसीईआरटी स्वर्ग के रास्ते खोलती है, ये एनसीईआरटी स्वर्ग के रास्ते खोलती है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आदमी सीधे स्वर्ग जाता है, अगर स्वर्ग जैसी कोई चीज है तो वहां व्यक्ति जाता है, हम ये बताना चाहते हैं आपको। तो अगर आप एनिमल किंगडम में देखिए तो पहला जो मूवमेंट है वो नॉन मस्कुलर मूवमेंट है। मतलब एनिमल किंगडम में ऐसे भी मूवमेंट है जहां पर मसल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं,
ये देखिए नॉन मस्कुलर मूवमेंट, पूरे एनिमल किंगडम में देखें नॉन मस्कुलर मूवमेंट है, मतलब ये हुआ बिना मसल्स के ही मूवमेंट हो रहा है। आप दिमाग से बात निकाल रहे हैं कि मसल्स के द्वारा ही बॉडी मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है। एनिमल किंगडम में बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिनके द्वारा नॉन मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है। जैसे पहला अगर आप देखें तो पहला होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये भी एक मूवमेंट का तरीका है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को अगर एक लाइन में बोलना चाहते हैं तो इसे साइक्लोसिस कहा जाता है। ये इसके बारे में अगर आप सीधे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है इसके कारण होता है, और मूवमेंट का मेन जो कारण है अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो ये मेन कारण जो है वो माइक्रोट्यूबुल्स हैं और माइक्रोफिलामेंट्स हैं। माइक्रोट्यूबुल्स हैं और क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ये सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटीनेसियस होते हैं, इन्हीं के कारण किसी भी सेल में मूवमेंट हो सकता है। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी ने इसका भी डिस्कशन किया हुआ है, पढ़ेंगे तो लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल ले देता हूं मैं, एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। ये देखिए अमीबा में मूवमेंट है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ये अमीबा की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके किनारे की तरफ सॉल का फॉर्मेशन होता है, अंदर की तरफ जेल का फॉर्मेशन होता है। सॉल जेल में कन्वर्ट होता रहता है, जेल सॉल में कन्वर्ट होता रहता है, और इन दोनों की कन्वर्जन के कारण इस अमीबा में मूवमेंट होता है। यहाँ पर कोई मसल है, बोलिए नहीं है, नहीं है भाई, मैं कह रहा हूं नहीं है मसल का मूवमेंट यहाँ पे मसल्स के द्वारा। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा जो मूवमेंट है वो सीलियरी मूवमेंट है, सीलियरी मूवमेंट। ये देखिए एनिमल में मूवमेंट हो रहा है लेकिन सीलिया के द्वारा हो रहा है। ये देखिए यहां भी कोई मसल्स नहीं है, तो अगर आपको इसके बारे में लिखना होगा तो आप लिखेंगे मूवमेंट बाय सीलिया, मूवमेंट बाय सीलिया, सीलिया के द्वारा मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए एग्जाम्पल अगर आपको लिखना होगा तो इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम में साइटोफेरिंग्स होता है जो फूड को खाने का काम करता है, साइटोफेरिंग्स, PHARYNX। ये साइटोफेरिंग्स है जो फूड को खाने में मदद करता है, लेकिन पैरामीशियम में जो मूवमेंट है वो सीलरी मूवमेंट है, सीलिया के द्वारा मूवमेंट हो रहा है। दूसरा अगर आप इसका टाइप देखें, ये देखिए सीलरी मूवमेंट के बाद दूसरा जो मूवमेंट है उसे हम लोग फ्लैजलर मूवमेंट कहते हैं। ये देखिए फ्लैजलर मूवमेंट, सीलिया फ्लैजला में आप डिफरेंस सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, सीलिया छोटी साइज की होती है, फ्लैजला बड़ी साइज की होती है। सीलिया की ढेर सारी नंबर्स होते हैं लेकिन फ्लैजला के नंबर सिंगल या डबल हो सकते हैं। तो फ्लैजला मूवमेंट में अगर आप लिखना चाहें इसको तो मूवमेंट बाई फ्लैजला, ऐसे सिंपल लिख दें आप मूवमेंट बाई फ्लैजला, फ्लैजला के द्वारा जब मूवमेंट होता है तो इसे फ्लैजला मूवमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो ये देख लिख लीजिए ना, युगलीना में ऐसा आपको देखने को मिलता है, युगलीना, ये युगलीना जो मूवमेंट है उसमें फ्लैजला के द्वारा मूवमेंट है। ह्यूमन स्पर्म में जो मूवमेंट है अगर आप एनिमल किंगडम देख रहे हैं तो ह्यूमन स्पर्म का जो मूवमेंट है वो भी फ्लैजलर है। ये देखिए ह्यूमन स्पर्म, गैमेट्स ऑफ एल्गी, इन तमाम चीजें हैं जिसमें जो है फ्लैजलर मूवमेंट है। तीसरा जो मूवमेंट है उसे हम लोग टेंटेकुलर मूवमेंट कहते हैं, टेंटाकुलर मूवमेंट। अब सोचिए टेंटाकुलर मूवमेंट भी होता है, टेंटाकुलर मूवमेंट, इसका भी जिक्र एनसीईआरटी ने किया है। ये एक तरह का नॉन फ्लैजलर मूवमेंट है, नॉन फ्लैजलर मूवमेंट भी है। टेंटाकुलर मूवमेंट में ये देखिए मूवमेंट बाय टेंटिकल्स, मूवमेंट बाय टेंटिकल्स, टेंटिकल्स के द्वारा मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो एग्जाम्पल इसका होता है हाइड्रा, हाइड्रा में जो मूवमेंट है वो टेंटिकल के द्वारा है,
हाइड्रा के में जो मूवमेंट है उसे टेंटिकल्स के द्वारा है, और इस मूवमेंट को हम लोग समरसॉल्टिंग कहते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग समरसॉल्टिंग कहते हैं। ये देखिए, वो ऐसे हाइड्रा ऐसे राउंड करके चलता है, तो इसके मूवमेंट को हम लोग समरसॉल्टिंग कहते हैं। इन चारों का जिक्र एनसीईआरटी ने किया हुआ है। ये देखिए, इन चारों का जिक्र आपके इस एनसीईआरटी ने किया हुआ है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, सीलियरी मूवमेंट का, फ्लैजलर मूवमेंट का, टेंटेकुलर मूवमेंट्स का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने किया हुआ है। इसके सिवा अगर आप देखें तो एक और है जिसका जिक्र एनसीईआरटी ने नहीं किया है। यहाँ देखिए, ये आपको एनिमल किंगडम में पढ़ने को मिलेगा, बाइट्यूब फीट। ये देखिए, ये बाइट्यूब फीट है। अगर आप देखें तो ये आपको इकानोडर्मेटा में देखने को मिल जाएगा। इकानोडर्मेटा में जो एनिमल्स का मूवमेंट है वो जो है ट्यूब फीट के द्वारा होता है, फीट ट्यूब जैसा है, इसलिए इसको ट्यूब फीट कह रहे हैं। तो वहां पर जो मूवमेंट है वो जो है किसके द्वारा है, इकानोडर्मेटा में ट्यूब फीट के द्वारा है। तो ये सारे नॉन मस्कुलर मूवमेंट है। और अगर आप मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो इसका दूसरा अगर आप टाइप देखें तो ये देखिए, बाई लिम्स। तो बाई लिम्स जो है, बाई लिम्स, लिम्स में दोनों लिम्स आते हैं। एक तो फोर लिम्स आता है जिसे हाथ कहते हैं, और दूसरा प्लस हिंड लिम्स आता है जिसे पैर कहते हैं। फोर लिम्स प्लस हिंड लिम्स, ये आपको जो लिम के द्वारा मूवमेंट है ये आपको केवल कार्डेट्स में दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, कार्डेट्स में करेक्टरिस्टिक फीचर लिखा है, कार्डेट्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स। फोर लिम्स और हैंड लिम्स है जिनके द्वारा कार्डेट्स मूव करते हैं। इन कार्डेट्स में पांच नाम आ जाते हैं, आपने पढ़ा है, एक फिश आती है, एम्फीबियंस आते हैं, ये देखिए फिश आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ये देखिए रेप्टाइल्स आती हैं, ये देखिए बर्ड्स आती हैं, और मैमल्स आते हैं। ये बात सीखनी है आपको। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजलर मूवमेंट, टेंटेकुलर मूवमेंट, ट्यूब फीट फॉर्मेशन, ट्यूब फीट के द्वारा मूवमेंट, ये एनिमल किंगडम में अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा एनिमल्स मूव करते हैं। और अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजलर मूवमेंट, टेंटेकुलर मूवमेंट, ट्यूब फीट के द्वारा मूवमेंट जो हो रहे हैं वो मूवमेंट नॉन मस्कुलर है, उनमें मसल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जितने भी कार्डेट्स हैं उनमें जो मूवमेंट है वो होता है लिम्स के द्वारा। लिम्स के द्वारा कार्डेट मूव करते हैं, जिनमें फोर लिम्स को हम लोग हाथ कहते हैं, हैंड लिम्स को हम लोग पैर कहते हैं। जब वो दो पैरों पे चलता है तो उसे बाइपेडल कहते हैं, जब वो चार पे चलता है तो उसे क्वाड्रपेडल कहते हैं। इसके आप चार पाया कहते हैं, चार पाया माने जो चार पैरों पे चलेगा, भैंस को देखिए चारों पे चलते हैं, तो अगले तो उनके पैर तो जरूर है लेकिन बायोलॉजिकली उन्हें हम हाथ कहेंगे, फोर लिम्स कहेंगे, और पीछे वाले जो दोनों पैर हैं उसे हम लोग हाइंड लिम्स कहते हैं। तो दोनों में कॉमन लिम्स हैं, बस आगे फोर लगा या फोवारी, और आगे जो पीछे की तरफ उसे हाइंड लिम्स कहते हैं। अब आइए देखा जाए कि ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं, इसको देखा जाए। अब आप हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के मूवमेंट्स हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है क्या उसमें केवल मसल्स के द्वारा मूवमेंट है या कोई और भी तरीका है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बॉडी में कितने तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं मनुष्य की बॉडी में। देखिए, एनसीईआरटी ने हेडिंग भी डाली है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट देखते हैं तो तीन तरह का मूवमेंट है। पहला जो है मूवमेंट, उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ये देखिए ये पहला है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, ये पहला तरीका है। ये देखिए, दूसरा जो तरीका है उसे हम लोग कहते हैं सीलियरी मूवमेंट है। ये देखिए सीलियरी मूवमेंट है, और तीसरा जो है वो मस्कुलर मूवमेंट है। एनसीईआरटी ने इन तीनों मूवमेंट को तीन अलग अलग पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पहले उसने लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, फिर लिखा है सीलियरी मूवमेंट, फिर लिखा है मस्कुलर मूवमेंट। मतलब एनसीईआरटी ने तीनों मूवमेंट को तीन अलग अलग पैराग्राफ में लिखा है। हम लोग तीनों पैरा मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देखेंगे भी। तो सबसे पहले आइए देखा जाए, जो पहला तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट,
हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, ये देखिए इसे चाहे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहते हैं, चाहे इसे सेलुलर मूवमेंट कहते हैं, या इसे हम लोग सीरोपोडिया के द्वारा भी मूवमेंट कहते हैं। ये देखिए तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ये पहला तरीका है। तो अगर आप इसे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट न कहके इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा टर्म बन जाएगा। या अब आप चाहें देख सकते हैं कि ये एक तरह का जो है इसे दो तरह की सेल्स एक्सप्लेन करती हैं। एक सेल्स है बॉडी में जिन्हें हम लोग मैक्रोफेजेस कहते हैं, ये देखिए ये पहली सेल्स है, और दूसरी सेल्स है जिन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये इसे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ना कहके ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसे अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। ये परफेक्ट टर्मिनोलॉजी होगी इसके लिए, अमीबॉयड मूवमेंट ये ज्यादा परफेक्ट टर्मिनोलॉजी होगी। मैं इसे बल्कि यहां से हटा के इसे अमीबॉयड ही लिख देता हूं। ये देखिए तो ये दो सेल्स हैं जो इसे जो है अमीबॉयड मूवमेंट करती है हमारी बॉडी में। कौन कौन सी सेल्स हैं? पहली सेल्स है जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं, दूसरी सेल्स है जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो अमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है, अगर इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मूवमेंट लाइक मूवमेंट बाई साइटोप्लाज्म बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये देखिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम लोग डायरेक्ट सिंगल लैंग्वेज में साइक्लोसिस कह सकते हैं। ये देखिए साइक्लोसिस, इसी चीज को अगर आप सीखना चाहे तो इसे सीखें। ये चीज इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग लिख रहे हैं, एग्जांपल आप अमीबा लिख दें, लेकिन हमारी बॉडी में ये जो मूवमेंट है, ये जो अमीबॉयड मूवमेंट है, इसे हम लोग डायपेडेसिस कहते हैं। ये देखिए इसे हम लोग डायपेडेसिस कहते हैं। डायपेडेसिस का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ सेल्स, ये आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू टिश्यूज लिख ले, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिख ले, इंटरस्टिशियल स्पेस लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। फिगर बना चाहे आप बना ले। ये देखिए ये ब्लड कैपिलरी, ये आर्टरी है, ये कैपिलरी है, ये ऐसे आप कर लीजिए, और ये क्या है, वेन्स है, नाम लिख लीजिए कि सर ये आर्टरी है, ये क्या है, कैपिलरी है, और ये क्या है, वेन्स है। ये देखिए ये यहाँ की सेल्स हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, जहां पर कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो ये देखिए इसके अंदर पड़ी हुई जो सेल्स हैं ये अमीबा जैसा मूवमेंट करती हैं, अमीबॉयड मूवमेंट करके इस लोकेशन में पहुंचती हैं। ये जो अमीबॉयड मूवमेंट है ये दो सेल्स एक्सप्लेन कर रही हैं, एक सेल है जिसको मैक्रोफेजेस कह रहे हैं और दूसरी सेल है जिसे ल्यूकोसाइट्स कह रहे हैं। इस सेल के अगर आप इसको फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बना ले, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, और इस सेल में आखिर ऐसा है क्या जिसके मूवमेंट को प्रभावित कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सर, साइटोस्केलेटन जो होते हैं उन्हीं के कारण ये मूवमेंट होता है। और इसमें मेनली दो नाम आते हैं, आपने क्लास 11 की एनसीईआरटी में साइटोस्केलेटन पढ़ा है, एक पहला नाम होता है जिसे माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, इस माइक्रोफिलामेंट को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, ये इस सेल के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम चाहते हैं ये भी आप सीख जाए। दूसरा जो होता है वो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, ये दो स्ट्रक्चर जिस सेल के अंदर पाए जाते हैं उस सेल के साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है। और हमारे केस में इस स्ट्रीमिंग को जब वो इंटर मतलब ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में ये सेल्स जाती हैं, तो इस मूवमेंट को हम लोग डायपेडेसिस कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा मूवमेंट है
जिसमें किसी भी मसल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पहला टाइप हो गया। अगर आप दूसरा टाइप देखें, इसका दूसरा टाइप अगर आप देखें तो दूसरा जो टाइप है उसे हम लोग सीलरी मूवमेंट कहते हैं। ये देखिए सीलरी मूवमेंट, ये इसका दूसरा टाइप है ह्यूमन बॉडी में। ये भी नॉन मस्कुलर है, ध्यान रखेंगे हम, ये बॉयड नॉन मस्कुलर है और ये सीलरी भी नॉन मस्कुलर है। ये शुरू के दोनों क्या है, नॉन मस्कुलर है, इनमें मसल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मस्कुलर वाला तो तीसरा वाला है भाई, नॉन मस्कुलर मूवमेंट। तो अगर आप सीलरी मूवमेंट देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ मूवमेंट बाई सीलिया। सीलिया के द्वारा जब मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट को हम लोग सीलरी मूवमेंट कहते हैं। तो हमारी बॉडी में कहां पे है सीलिया का मूवमेंट, आप एक बार देखें। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो यहाँ 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है सीलिया का, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है सीलिया का। और जो सीलिया का मूवमेंट होता है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मतलब एक साथ कई सीलिया एक ही डायरेक्शन में जब मूव करती हैं तभी कोई मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है इनका, सिंक्रोनस मूवमेंट कह सकते हैं। अब अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो इसके एग्जांपल्स है, पहला सीलरी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ ट्रैकिया, एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ ट्रैकिया। ये बॉडी की पहली लोकेशन है, हमारी जो ट्रैकिया है उसमें टिश्यूज पड़े हुए हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज पड़े हुए हैं ट्रैकिया में, और इन टिश्यूज का काम है रिमूवल ऑफ डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब अगर हमारे ट्रैकिया में कोई भी डस्ट या फॉरेन पार्टिकल्स जाएगा तो ये बीट करके इस सीलिएटेड मूवमेंट से उस पार्टिकल को या डस्ट को बाहर कर देते हैं। जब स्मोकिंग करते हैं जो लोग, इसी सीलिया को के मूवमेंट को स्मोकिंग में, सिगरेट में पड़ी हुई निकोटीन अफेक्ट करती है, इसलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये मूवमेंट रुक जाता है और ऐसे में उनको ढेर सारी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए स्मोकिंग जो होती है इस मूवमेंट को सीधे अफेक्ट करता है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को आप समझ रहे हैं। इसका जो फंक्शन है पैसेज ऑफ ओबा, या इसका सिंपल सा फंक्शन लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ओबा। ये देखिए ये एनसीईआरटी में फिगर ऐसे नहीं तो बनाया तो नहीं इन्होंने, लेकिन आप ऐसे देख लें, ये ओबरी है, ये देखिए यहां से ओबम निकल के जाती है। तो ये जो ओबम का मूवमेंट है फैलोपियन ट्यूब में वो इस टिश्यू के कारण होता है। टिश्यू का नाम क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तीसरा जो मूवमेंट है वो है मस्कुलर मूवमेंट, ये देखिए तीसरा जो मूवमेंट है वो है मस्कुलर मूवमेंट। ये ह्यूमन बॉडी में सबसे प्रोमिनेंट है, इसके द्वारा हम लोग लोकोमोशन करते हैं। तो मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट ये है, जैसे टंग हो गया, ये देखिए टंग हो गया, लिम्स हो गए, हाँ ज्वाइंट्स हो गए, इन सारे मूवमेंट्स जो होते हैं सब मस्कुलर होते हैं। मेजर मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट है ह्यूमन बॉडी में, और इस मस्कुलर मूवमेंट के लिए तीन सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। एक तो मस्कुलर सिस्टम को प्लस देखिए स्केलेटल सिस्टम को मतलब बोन्स को, स्केलेटल सिस्टम को प्लस नर्वस सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम को, इन तीनों सिस्टम्स को
अगर मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है तो ये देखिए एनसीईआरटी कहती है कि इन्हें हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अगर मसल्स, बोन्स और न्यूरॉन्स ये तीनों एक साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे तो बॉडी में जो मूवमेंट होगा उसे मस्कुलर मूवमेंट कहेंगे। तो अगर आप देखें तो ह्यूमन बॉडी में दो तरह के मूवमेंट हैं, जो नॉन मस्कुलर हैं, जिनमें पहला है अमीबॉइड मूवमेंट या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और दूसरा जो है वो मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट। दो नॉन मस्कुलर मूवमेंट है और एक मस्कुलर मूवमेंट है। टोटल तीन तरह के मूवमेंट ह्यूमन बॉडी में जो हमारी बॉडी में ये मतलब मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में जो भी काम हो रहा है, अगर ये डस्ट पार्टिकल है, ये चौक है, इसकी डस्ट हमारी ट्रेकिया में चली जाएगी तो ट्रेकिया इस डस्ट को निकाल के बाहर करेगी क्योंकि वहां सीलिया लगी है। फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में जो ओबम है वो नॉन मोटाइल होती है, ओबम में सीलिया फ्लैजेला ह्यूमन में नहीं पाई जाती है, तो उसका जो मूवमेंट होता है वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ फैलोपियन ट्यूब करती है, स्पर्म के पास उसको पहुंचाने का काम करती है। तो ये दो हो गए सीलियरी मूवमेंट ह्यूमन बॉडी में, और ये वाला आपको अमीबॉइड समझना है कि ब्लड वेसल्स से जो सेल्स मूव करके इंटरस्टीशियल स्पेस में जाती है उनका भी मूवमेंट जो है अमीबॉइड मूवमेंट होता है। ध्यान रखना है इसमें साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्स और माइक्रोफिलामेंट्स इसमें पड़े होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, और वही सेल के साइटोप्लाज्म को मूव कराते रहते हैं। इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। इस तरह से ह्यूमन बॉडी में तीन तरह के मूवमेंट आप देखने को पाएंगे। अब आइए हम लोग मस्कुलर मूवमेंट की चर्चा करते हैं।